नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल शर्मा और मैं रोड सेफ्टी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं हमारे भिवंडी वाले ट्रेनिंग सेंटर में। यहां पर हमारे पास दो मशीनें हैं, दो फोर्कलिफ्ट हैं, एक ये हाईरिश ट्रक और दूसरा फोर्कलिफ्ट है हमारे पास आर्टिकुलेटेड फोर्कलिफ्ट। इन दोनों मशीनों का काम वेयर हाउसेज में होता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी 30 फीट हाइट की और 40 फीट हाइट की रैक्स लगी होती है। उन रैक्स पर सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए ये दोनों फोर्कलिफ्ट का काम होता है। आज मैं आपको हमारे एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जो हमारे भिवंडी वाले सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर साहिदुल खंडेलवाल। साहिदुल आपका नाम है। साहिदुल कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से आए, वेस्ट बंगाल से। ओके साहिदुल, मुझे ये बताइए, ये फोर्कलिफ्ट सीखने का जो ख्याल है, विचार है, ये आपके मन में कैसे आया? आपके मैं तो पहले जॉब ढूंढने के लिए गया था सर। ठीक है। उसके बाद देखा कि वेयर हाउस ज़्यादा हो रहा है उसमें। बिल्कुल सही कहा, वेस्ट बंगाल में वेयर हाउसेज बहुत अपने ओपन हो रहे हैं। सही कहा। और इसका जो एफएल और आरटी इसका वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही कहा। अभी नया स्टार्टिंग हुआ तो बहुत ज़्यादा है इसका वैकेंसी जो है, इसलिए सोचा कि इधर तो आपको किसी ने बताया हमारे बारे में या आपको पहले से पता था? मेरे एक दोस्त ने बताया। आपका एक दोस्त है, उनका नाम क्या है? उसका नाम है शुभोदय। शुभोदय, उन्होंने कहाँ से यहीं से ट्रेनिंग किया था? भिवंडी से। रोड सेफ्टी फाउंडेशन। रोड सेफ्टी फाउंडेशन से ट्रेनिंग किया है। तो अभी कहाँ पर जॉब? अभी वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? वो अभी कंपनी वायर हाउस में सीख रहे हैं। कौन सी कंपनी में? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में जॉब कर रहे हो। कितना सैलरी उन्हें मिल रहा है? लगभग 21,000 इन हैंड मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप फोर्कलिफ्ट सीखने आए, कितना दिन हो गया आपको ट्रेनिंग करते हुए? अभी तो 5 दिन हुए हैं। 5 दिन में आपने क्या क्या सीख लिया है 5 दिन में? 5 दिन में सर एएफएल कंप्लीट हो गया। एएफएल आपका कंप्लीट 5 दिन में हो गया। और रिस्ट्रक में आपने क्या सीखा है अभी? अभी फास्ट स्टेप चल रहा है। ओके, रिस्ट्रक में आज आपका पहला ही दिन है, तो उन्होंने खाली आपको आगे पीछे करना सिखाया। आगे पीछे। तो एएफएल में आप रैक में लोडिंग कर पा रहे हैं? किस लेवल तक आपने लोडिंग कर लिया है? फोर्थ लेवल तक आप लोडिंग कर पा रहे हैं। तो एक बार आप हमें लोडिंग करके दिखाएंगे? ठीक है सर। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं कि साहिदुल जी कैसी लोडिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम फिर से आ गए साहिदुल जी के पास। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि साहिदुल जी ने लोडिंग कैसे करी, एएफएल और आरटी आपको कैसा लगा इनके चलाते हुए देखकर। ओके साहिदुल जी, आपने 5 दिन में एएफएल पूरी तरीके से सीख लिया है। मुझे ये बताइए, गाड़ी के प्री इंस्पेक्शन के बारे में आपको क्या पता है? क्या आपको ट्रेनिंग कौन सर दे रहे हैं यहाँ पे? राजेंद्र सर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो राजेंद्र सर ने आपको प्री इंस्पेक्शन के बारे में क्या बताया है? बारे में जो बताया है बहुत अच्छी तरह से बताया। क्या क्या पॉइंट्स बताए? और सर ने बोला कि पहले गाड़ी को चेक करना चाहिए, बैटरी को, बैटरी का परसेंटेज चेक करना है। बिल्कुल सही। उसके बाद गाड़ी के उठने के लिए सीट में बैठना पड़ेगा और स्विच ऑन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। से
नेक्स्ट देखना पड़ेगा कि उसका ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है. ओके ठीक है. उसके बाद चेक करना पड़ता है, सीट बेल्ट हो गया. और सेफ्टी के लिए और क्या क्या बताया है? सेफ्टी के लिए बताया वो हेलमेट जैकेट जैकेट और उसके अलावा उसके अलावा शूज पहने के लिए मस्ट. सेफ्टी शूज, हेलमेट और जैकेट, ये तीनों चीजें आपको हमेशा पहन के रखनी है जब भी आप गाड़ी पर बैठे. इसके बिना अगर आप गाड़ी चलाते पाए गए तो हो सकता है आपकी नौकरी भी चले. ठीक है, तो आपने हमें चला के दिखाया. 5-6 दिन हो गए अभी आपकी ट्रेनिंग के और 10 दिन लगभग बात की है. इसमें आपका आरटी का ट्रेनिंग भी पूरी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, जब आप यहाँ पर पहुंचे हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपको हमारा ट्रेनिंग सेंटर कैसा लगा? बहुत अच्छा, शेड भी अच्छा है, शेड अच्छा है, रैक सिस्टम भी है. फिलहाल थोड़ा सा फ्लोर का प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा, रह कहाँ रहे हैं आप? अभी इधर मेस है. मेस है, ठीक है. खाने की व्यवस्था वहाँ हो गई, और रहने का व्यवस्था क्या है? रहने के लिए हमारा खुद का गेस्ट हाउस फैसिलिटी है. उसका कितना फीस आपका लगा है? 1000. और जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप आरटी और एएफएल का, उसका कितना फीस आपका लगा है टोटल? 25,000. बिल्कुल सही का कॉम्बो ऑफर चल रहा है. 25,000 में आप रीस्ट्रक और आर्टिकुलेटेड दोनों का ट्रेनिंग हम आपको करवा के दे रहे हैं. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम आपकी जॉब में भी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे. बिल्कुल. चलिए, तो यूट्यूब पर जो वीडियो देखेंगे आपका, yes, आज हम अपलोड होगा अगले कुछ दिनों में, यूट्यूब पर जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके लिए आपका कोई मैसेज? मैं तो वेस्ट बंगाल के सब आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलिए. समस्त হচ্ছে মানে ভালো অপরচুনিটি রয়েছে সমস্ত জনের জন্য, এই অপরচুনিটিটা রয়েছে শিক্ষার জন্য, এবং রোড ফাউন্ডেশনের ওপর ভালো কোনো জায়গা হবে না, সেই জন্য আমার রিকোয়েস্ট সমস্ত মানে জানি ইউটিউবে যদি এই ভিডিওটা দেখে থাকো প্রত্যেকেই হচ্ছে রোড ফাউন্ডেশনে ট্রেনিং দেবো. এটা হচ্ছে এখানে কোনো ফ্রড হয় না, এখানে হচ্ছে জেনুইন জায়গা, অবশ্যই সবাই আসতে হবে. बिल्कुल सही कहा, जैसे इन्होंने कहा अगर आप खाली बैठे हैं और आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी मिलने में आपको तकलीफ मिल रहा है, आप हमें संपर्क करिए, फोर्कलिफ्ट सीखिए, ट्रेनिंग करिए, लाइसेंस बनवाइए, आपकी जॉब नौकरी लगवाने की जिम्मेदारी है हमारी. अच्छा, आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझसे बात करी. मैं कामना करता हूँ जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगे, अपना नाम तो रोशन करेंगे रे, साथ में रोड सेफ्टी फाउंडेशन का नाम भी रोशन करें. धन्यवाद.